मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास में कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। हर समस्या प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुरु की हो रही है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आ जाती हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसके शब्दों और उसके वाणी से होती है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे, खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति से उस फल जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण होता है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं, नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब तकलीफ हो जाए जीने में तो श्री कृष्ण को बसा लो सीने में। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और का निर्भर नहीं होता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में आप अपने कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, फल मैं अवश्य दूंगा। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।